हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कोई टाइपिंग जॉब करना चाहते हैं तो कहाँ पर जो कि ये टाइपिंग आप जॉब कर सकते हैं और किस किस टाइप की जो कि ये टाइपिंग जॉब होती है, तो यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड, अगर आप टाइपिंग जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देख सकते हैं। तो फ्रेंड, ये जो टाइपिंग जॉब होती है काफ़ी तरह की होती है। यहाँ पर आप देख देख के जो कि आपको ओनली देखना है और उसे टाइप करना है, इस तरह की भी जो कोई ये टाइपिंग जॉब होती है, या फिर आप खुद से कोई कंटेंट राइटर यानी कि आपको कुछ अपने अपने हिसाब से लिखना है और उसे सेल करना है, इस तरह के भी कॉपी राइटिंग जो कि जॉब होती है। तो कुछ काफ़ी टाइप की जो कि ये टाइपिंग जॉब होती है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सब जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप देख रहे हैं से इजी टॉक यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो कि आती है कैप्चा टाइपिंग जॉब, तो यहाँ पर आप क्या करना है, आपको ओनली कुछ वर्ड को देखना है और उसे सेम टाइप करना है। तो यहाँ पर होती है कैप्चा सॉल्विंग जॉब। तो हाँ, सामने यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप कैप्चा आपको फिल करने को मिलेगा, तो उसको फिल करना है। यहाँ पर आपको 1000 कैप्चा सॉल्व करने के हिसाब से आपको करीब 50 सेंट से $2 तक मिल सकता है, ये जो कि अलग अलग वेबसाइट के हिसाब से होता है। और दूसरे नंबर पर आता है जो कि ऑनलाइन टाइपिंग में आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने हिसाब से लिखना है, कुछ कंटेंट लिखना है किसी के बारे में। आप लिख सकते हैं हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम गूगल, ऐसा कोई जो कि कंटेंट होता है, तो उसमें आपको लिखना है 500 से 1000 वर्ड तक जो कि आपको लिखना है, और उसके बदले आपको यहाँ पर अर्निंग होती है। जैसा आपका टाइपिंग स्किल होता है इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो, ज़्यादा अर्निंग भी यहाँ से कर सकते हैं। ये जो कैप्चा सॉल्विंग जॉब होती है वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा अर्निंग नहीं होता, यहाँ पर आपको जो कि वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले यहाँ पर अर्निंग इतनी कम मिलेगी। तो अब फ्रेंड, जान लेते हैं कि आप कहाँ पर जो कि ये कैप्चा सॉल्विंग जॉब है वो कहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो का आपको कैप्चा सॉल्विंग करने की वेबसाइट होती है, तो ये जो कि quality-bubbler.com, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, तो ये जो कि quality-bubbler.com है, तो इस वेबसाइट पर आप कैप्चा सॉल्विंग की जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा है tocapcha.com, तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी है जो कि कैप्चा सॉल्विंग जॉब करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। और कई सारी जॉब फिलहाल अवेलेबल है ऑनलाइन मार्केट में, लेकिन ये जो कि आप दो वेबसाइट है उस पर ट्रस्ट करके यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं, ये जो quality-bubbler और tocapcha.com, तो इस तरह की दो वेबसाइट है। अब यहाँ पर आप कंटेंट राइटिंग लिखना चाहते हो तो वो क्या पर आप करेंगे, तो उसके लिए आपको जो कि फ्रीलैंसिंग देने वाली जो कंपनी होती है उसे स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप fiverr.com है उस वेबसाइट पर जा सकते हैं, उस पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, वहाँ पर आपको गिग क्रिएट करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आप जॉब जो कि पोस्ट कर सकते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और उसके अलावा जो कि वेबसाइट है upwork.com, तो ये भी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर भी तो upwork.com पर भी आपको काफ़ी सारे जो कि जॉब अवेलेबल है टाइपिंग जॉब, तो इसे भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं और इसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर और ऐसी कई सारे जो कि फ्रीलैंसिंग मार्केट में अवेलेबल है, तो उसे आप सर्च करके यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। तो इस तरह के जो कि आप ऑनलाइन टाइपिंग जॉब सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली आप गूगल में सर्च करेंगे ऐसे तो कई सारे जो कि आपको वेबसाइट मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ही फ्रॉड होता है, तो जो कि पैसे ले मिलने आपको जो कि लास्ट में पैसे नहीं देती और जो कि वेबसाइट काम करवा लेती है। तो इस तरह से जो कि आपको वेबसाइट में नहीं जाना है, ऐसे आप एज अ फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कि आप कैप्चा सॉल्विंग जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप कैप्चा सॉल्विंग करेंगे तो अच्छा रहेगा, वहाँ पर आपको पता चलेगा किस तरह की जो कि टाइपिंग होता है, और आप कंटेंट टाइपिंग का जो कि कंटेंट राइटिंग आता है, आपको कुछ भी लिखना आता है, तो आप इसे आप एज अ फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, एक बहुत ही बढ़िया जरिया है। तो इसके रिगार्डिंग प्रश्न इसके रिगार्डिंग कोई आपके पास सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।